गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सी के चैप्टर 2 भारत संसाधन को पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक बन गए हैं जिसमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में हमारे सामने क्या है। सबसे पहले खनिज, अब दूसरा है हमारा प्राकृतिक गैस। अब तीसरी बात करें तो तीसरा हमारा है विद्युत शक्ति अर्थात विद्युत। तो ये हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसके अलावा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में हम लकड़ी, गाय के गोबर से बने हुए कंडे का और कोयला। अब बात करते हैं कोयला, तो यहाँ पर हम बात करते हैं खनिज तेल। ये सब हमारे लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जो परंपरागत स्रोत क्यों है, क्योंकि इनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। तो खनिज तेल हमें कैसे प्राप्त होता है, तो खनिज तेल धरती के खुदाई से प्राप्त काफी गहराई से प्राप्त होने वाला तेल का भंडार है। इसे हम पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पेट्रोल बोलेंगे या पेट्रोलियम बोलेंगे। अब पेट्रोलियम हमें भारत के तीन राज्यों अर्थात असम, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से प्राप्त होता है। असम में यह दिघोली नामक स्थान से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र में यह बॉम्बे हाई मतलब आपका मुंबई शहर से लगभग 140-150 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है बॉम्बे है, जहां से हमें खनिज तेल प्राप्त होता है। और गुजरात से भारत में पेट्रोलियम के पर्याप्त मात्रा में भंडार न होने के कारण इसको हम अन्य दूसरे देशों से भी आयात करते हैं। तो आप पेट्रोल कहाँ कहाँ प्राप्त होता है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम के डिस्कशन के दौरान उससे हमें पेट्रोलियम की गैस भी प्राप्त होती है, जिसे हम एक आदर्श गैस और आदर्श ईंधन का स्रोत भी मानते हैं और यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए, और विद्युत की बात करें तो विद्युत से हमें ताप और प्रकाश दोनों प्राप्त होता है और इससे बड़े बड़े मतलब जो है यंत्र चलाई जाती है। और वही बात हम करते हैं कोयले से भी बिजली का उत्पादन होता है, अब इनके क्या उपयोग है आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोलियम से आपके समय में दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाए जाते हैं और पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके वायुयान में ईंधन के रूप में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। हम कह सकते हैं वाहनों में, वायुयान में, हम कह सकते हैं में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। उसका आदर्श गैस का उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में, जैसे आपने नाम सुना होगा एलपीजी, खाना बनाने में अर्थात एलपीजी, आपने गैस सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग खाना बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप का ज्यादा होता है और धुआं रहित होने के कारण
इसका उपयोग घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब विद्युत का उपयोग तो आप जानते हैं कि घरेलू कार्यों में पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने में किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग अनेक प्रकार के मोटर जो बिजली से चलते हैं उसमें किया जाता है। उसके अलावा कोयले का उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। और मैंने कल ही चर्चा की थी कोयला कितने प्रकार का होता है, आपको बताया गया कोयला चार प्रकार का होता है। चारों कोयले की जो पहचान की जाती है वो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर की जाती है। तो आप उनसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, कोयला और जल अर्थात जल विद्युत, इसका उपयोग और इसके बारे में जानकारी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और अपने सेविंग के उपयोग को आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, हमने बात की थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की। तो परंपरागत स्रोत को भी कोई हम नवीनीकृत स्रोत, नवीनीकृत स्रोत भी कह सकते हैं, अर्थात ऊर्जा के लिए साधन या वे स्रोत जिन्हें हम दोबारा नवीनीकृत कर सकते हैं अर्थात दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत कहते हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि हम बात करते हैं सबसे नंबर वन पर सौर ऊर्जा का, और सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा हमें सूर्य से निरंतर प्राप्त हो रही है। सूर्य से प्राप्त होने वाले से हमें उस ताप और प्रकाश दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस ताप और प्रकाश का प्रयोग जीव तथा पेड़ पौधे दोनों इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन के रूप में करते हैं और हमारे पर्यावरण में वो उत्पादक कहलाते हैं। और जीव जंतु इसका उपयोग पेड़ पौधों के उत्पादन में करते हैं और अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के हम कुछ उपयोग अन्य लिंगों के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग हम बिजली बनाने में भी करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग हम सोलर कुकर की सहायता से सोलर कुकर की सहायता से खाना बनाने में भी करते हैं। बिजली का उपयोग सौर ऊर्जा का उपयोग मैंने बताया कि पेड़ पौधे खाना बनाने में करते हैं, पूरी मैंने बताया आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो सौर ऊर्जा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि सौर ऊर्जा के द्वारा हम इसका उपयोग कपड़े सुखाने में, भी करते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि सौर ऊर्जा की प्राप्ति से ही हमें दिन और रात का पता भी चलता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे गैर परंपरागत स्रोत जिसका नाम है पवन ऊर्जा। अब बात हम करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा हमें आसानी से उपलब्ध होने वाला ऊर्जा का साधन है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में पवन ऊर्जा की जो विंड स्पीड होती है वो बहुत डाउन होती है, तो उन क्षेत्रों में हम पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में
पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की स्थिति काफी अच्छी होती है और वहां पर हम पवन ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं और पवन ऊर्जा के उपयोग को भी धीरे धीरे निरंतर विकसित किया जाए रहा है। आपको तो सुना होगा इसके बारे में प्रारंभ की सौर ऊर्जा की, तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट हमारे मध्य प्रदेश के हमारे ही जिले रीवा जिले में स्थापित किया है। मतलब भारत में केवल रीवा जिले को गौरव प्राप्त हुआ है जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे रीवा जिले में स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा की बात करें तो मैंने कहा पहाड़ी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा हमें आसानी से प्राप्त होती है क्योंकि वहां पर उसकी जो तेजी होती है, उसकी जो रफ्तार होती है वो काफी तेज होती है। रफ्तार तेज होने के कारण हम पवन ऊर्जा का उपयोग एक ऊर्जा के साधन के रूप में कर सकते हैं। अब पवन ऊर्जा से हम आटा चक्की चलाने में कर सकते हैं। बिजली के उत्पादन में कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं बिजली का उत्पादन करने से इससे हम छोटे 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 संयंत्रों को या छोटे छोटे मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों को आसानी से चलाने का कार्य कर सकते हैं। और तो आपसे मुद्दा हूँ कल बात करते हैं अपने तीसरे ऊर्जा के संसाधन की, तो वह है बायो ऊर्जा। बायो ऊर्जा या हम बोल सकते हैं बायोगैस। देखिए बायोगैस एक ऐसा ऊर्जा का साधन है जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर आसानी से कर सकते हैं। बायोगैस में एक बड़ा गड्ढा और सीमेंट की सहायता से बनाया जाता है और उसमें एक तरह झट्टा बना दी जाती है गोबर को डालने के लिए और एक पाइप कनेक्ट किया जाता है या पाइप क्या कहते हैं हमारे चूल्हे से कनेक्ट करती है और इसमें हम गोबर भरने का कार्य करते हैं और यही गोबर काफी समय लंबे समय तक भरा हुआ होता है तो उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इससे ऑक्सीजन प्रतिक्रिया धीरे धीरे जल के सड़ जाता है और सड़ने से इससे एक गैस निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। और मीथेन गैस जो है ज्वलनशील गैस है और इसका उपयोग हम चूल्हे में करते हैं और चूल्हे से आता से हम भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो बायोगैस का ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में माना जाता है। हाँ प्रारंभ में इसमें लागत आती है लेकिन जब हम स्थापित कर लेते हैं तो हमें ऊर्जा बायोगैस आसानी से और सस्ती मात्रा सस्ती दर पर प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा करके हम अपनी आय अपनी मतलब खर्च को कम कर सकते हैं और आसानी से ऊर्जा बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक है हमारा भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा तो भूतापी ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है, ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जल सतह से प्राप्त होती है उसे हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। देखिए धरती का जो स्ट्रक्चर है, हम धरती को लंबवत काटे तो धरती के स्ट्रक्चर को हम मानते हैं धरती के तीन पार्ट है, एक को हम लोग कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल और तीसरे को हम बोलते हैं कोर। अब कोर भी दो भागों में बटा हुआ है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये हो गया इनर, सॉरी ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। और जैसे जैसे हम धरती की गहराई में जाएंगे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ धरती के अंदर का ताप भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ता है और ताप और ताप बढ़ने से धरती के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती रहती है और उसकी सहायता से धरती के आंतरिक सतह की सहायता से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं।
और इस सिग्नल का उपयोग भी हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो है अंतिम टॉपिक बचा है ऊर्जा के ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण की भूमिका देश के प्रत्येक नागरिक को करनी होगी, क्योंकि हम प्रायः ऊर्जा के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। उस दुरुपयोग को रोकना होगा ताकि ऊर्जा हमें काफी लंबे समय तक प्राप्त होती रहे, क्योंकि ऊर्जा हमारे मानव जीवन के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। और अगर हम इसको ऊर्जा के संरक्षण को समझना चाहें तो हमारा पता भी होगा कि ऊर्जा के निरंतर व्यय को रोकना। जैसे हमने कहा, हम प्रायः देखते हैं घरों में लोग जिस कमरे में नहीं रहते उस कमरे की लाइट और उस कमरे के बल्ब के फैन को ऑन करके छोड़ देते हैं, जिससे बिजली जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है वह व्यर्थ में ही नष्ट होती रहती है। अतः हमें ऊर्जा के निरर्थक व्यय को रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमें ऊर्जा के नवीनीकृत या हम कह सकते हैं गैर परंपरागत साधनों के उपयोग पर बल देना चाहिए अर्थात उसको बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के नवीन विकल्पों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी पीछे चर्चा की थी कि ऊर्जा के कुछ साधन ऐसे हैं जो भविष्य में नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हम ऊर्जा के नवीन साधनों की हमें तलाश करनी चाहिए विकल्पों को। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक गैस है और यह ऊर्जा का एक असीम भंडार है, और लेकिन इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीक का अभाव है, इसके कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर तकनीक विकसित कर ली जाए तो हम हाइड्रोजन का उपयोग करके अपने ऊर्जा के अन्य साधनों का बचाव आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की, तो हमें प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधनों का संसाधनों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, अर्थात प्रयोग करना चाहिए देना चाहिए और ऊर्जा को हाथ से बचाना इस प्रकार हम लोगों ने भारत के संसाधन के चैप्टर 2 भारत संसाधन के पार्ट 7 को कवर किया। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयत्न करेंगे और उसे आप नोट डाउन करेंगे। आप लोग विद्यालय खोलने के पूर्व अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 2 के जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको नोट डाउन करके जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनको आप स्वयं से लिखने का प्रयास करिए, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे और मैं तो सभी क्वेश्चन कराऊंगा और आप उसे नोट डाउन करके जब विद्यालय खुलेगी मैं उसे चेक करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्र अपनी अपनी कॉपियों को कंप्लीट रखेंगे। धन्यवाद।